तो हमारे पास यहाँ इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर एक पर्ची आप निकाल के अपने फैंस को कोई मैसेज दे दें जिसमें ये लव्स, हाँ इस लव्स को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कोई ईद मैसेज क्यों चाहिए, पेपर हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा शीट चाहिए आपको, क्या मुश्किल ही तो कर, आप अमेरिका से हैं यहाँ पे, नहीं क्या मुश्किल, अमेरिका अमेरिका क्या होता है यार, यार तो अंग्रेजी चॉइस। अब मुझसे क्यों स्टार्ट हो रहा है सर, क्यों क्या आप अमेरिका से, क्यों क्या कोई कोई दुश्मन और इंसान है दोनों ही, पहला फिर भी ठीक है, पहला ठीक है ना, मैं कह रहा था आप सबको दे दे, मैं भी सोच लूं मैं क्या बोलूं, तो एक दो मिनट सामने करना क्या है, एक मोमल के लिए भी निकाल, मोमल के लिए भी निकाल लें, समझ नहीं आया करना क्या है, और आप एक उनको दे दें, आप एक मंशा को दे दें, हां मोमल प्लीज जी, मेरे सारे फैंस अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ, साथ साथ अपना आप लोग बहुत ख्याल रखेगा, सेलिब्रेट रखेगा एंड जो है फैमिली को भी सेलिब्रेट रखेगा, अपने खानदान और दोस्तों को भी सेलिब्रेट रखेगा और सेलिब्रेट रहिएगा, सेलिब्रेट ईद मुबारक, थैंक यू, बहुत अच्छे मोमल। अब बारी है निदा यासिर की, जी निदा, मतलब है ना ओके, रमजानों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई, रोजे लग रहे होते थे तो उस चक्कर में बहन की भाई से लड़ाई हो गई, मियाँ की बीवी से लड़ाई हो गई, बच्चों की सिबलिंग से लड़ाई हो गई, मतलब अपने बड़े वाले बहन भाइयों से लड़ाई हो गई, सो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ सरीन ईद मुबारक, सरीन सरीन अच्छा आपकी बारी। सो हमारे ये जो ईद का दिन है ये बहुत ही एक प्यारा दिन है जिसमें हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, फेलिसिटस ग्रीटिंग्स होती हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, तो मेरी यही दुआ है कि आप सब अपनी ईद बहुत खुशी से और मिलजुल के बांटें। चलो तुम्हारी बारी, हमारा तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, तुम्हारा बहुत आसान है, हाँ, तो करते ना करते करते ऑस्पिशियस मौके पे, हाँ बिल्कुल, ईद के ऑस्पिशियस मौके पे आप तमाम देखने वालों को ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि मेरी तमाम दोस्तों की तरफ से, हम टीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक, मिल बांट के रहे, प्यार से रहे और इनकी तरह मत रहे, ईदी दे दीजिए। अच्छा वैसे कोई एक सेलिब्रिटी ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि ईद के दिन आपके घर आए? मैं तो सबको चाहती हूँ, नहीं कोई हो सकता ना, सेलिब्रिटीज भी तो कुछ सेलिब्रिटीज के फैन हो सकते हैं यार, मैं चाहती हूँ कि यासिर मेरे घर आए, हाँ मैं भी ये चाहती हूँ, वॉलेट भर के आए, वॉलेट भर के आए, यासिर मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और वॉलेट भर के आओ, मुझे नहीं और बल्कि मेरे बच्चों को भी तुम ईदी दो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भाभी के बच्चों को भी, मेरी भाभी तो लड़की मुहिम पे आई हुई है आप बताएं, जो भी हैं हमारे सीनियर्स वो सब आए किसी दिन, मेरी सास जो है हमारे साथ रहती हैं तो मजे मजे की बातें होंगी, मैं तो जरा क्वाइट हूँ, वो जरा बहुत कॉन्वर्सेशन, क्वाइट हो वेल आई मीन बड़ों से, क्वाइट हो बड़ों से क्वाइट कह रहे हो, नहीं नहीं होल्ड ऑन बड़ों से अपनी हम उम्र में और बड़ों के साथ बात करने में फर्क होता है ना, तो जो सीनियर्स हैं उनके साथ जरा वो जो होती है मेरी बातें से बहुत बनती है, हाँ एक अलग टैलेंट होता है, ये बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट, बहुत मजा आता है दोस्तों की अम्माएं सब, मतलब मेरी दोस्त कहती है आ जाओ प्लीज यार क्या हो गया, इतना मजा आता है, मतलब आप ना ये इस लेवल पे होते हैं कि ये बच्ची सही कह रही है, ये सच है जो ये कह रही है, हमारे बच्चे झूठे हैं, बहुत मजा, तुम आ जाओ मेरे घर, ठीक है एक बात और हमें करनी है, वो छोटी सी वो कर लेते हैं आपके साथ, क्या क्या क्या, कि एक ऐसा सवाल जो मैं पूछना चाहता था लेकिन वो शो गुजर गया और मैं पूछा नहीं, कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके साथ अगर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, स्वैप हो जाए, तो वो कौन होगी मोमल आपके लिए? हाँ दीपिका और आप? आलिया, मैं आलिया चूज कर रही थी, ये सब रणबीर के चक्कर में हो रहा है, मैं आलिया भट्ट, उनकी जिंदगी में से कोई नहीं है, मंशा आप अंबानी की बहू, मंशा यहाँ भी जीत गई, क्या दाव खेला, मुझे लोग एक्चुअली मेरे जहन में भी इसलिए क्योंकि रिसेंटली लोग मुझे ना व्हाट्सएप में तस्वीर लगाती है इंस्टाग्राम पे राधिका मर्चेंट, मैंने कहा कौन है राधिका मर्चेंट, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने गूगल किया, इट इज दी अंबानी की बहू, मैंने कहा उसी के साथ बच्ची मारते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, देखभाल वाली बच्ची, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं बताती रही हूँ, मैं जो अंबानी की बहू है उसकी देखभाल वाली बन जाऊंगी, साथ ऐश करेंगे, चलो मैं भी स्विच करके इधर ही आ रही हूं, तो यू आर दीपिका, यू विल कम एंड डांस, दैट इज योर प्लेस, आगे ना चौकी शो का टाइम खत्म हो गया, आज तो बहू तुम्हें बुलाऊंगी नाचने के लिए, डांस मैं नाचने का।